हेलो बच्चों, इस पाठ में हम नक्शों मैप्स के बारे में सीखेंगे। राजू और बबलू खजाने की खोज खेल रहे हैं। राजू ने बबलू को एक नक्शा और कुछ निर्देश लिख कर दिए हैं। बबलू को उन निर्देशों का पालन कर खजाना ढूंढना होगा। राजू का बनाया नक्शा इस तरह दिख रहा है। बबलू ने निर्देश पढ़ना शुरू किया। अपने घर से निकलो और आगे बढ़ो। तीसरी टाइल से दाएं राइट मुड़ो। बबलू अपने घर से निकलकर तीसरी टाइल तक पहुंच गया, पर अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि दाईं राइट दिशा कौन सी है। बच्चों, क्या आप दाईं राइट और बाईं लेफ्ट दिशाएं पहचानना जानते हैं? पहले हम दायां राइट और बायां लेफ्ट हाथ पहचानना सीखेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें। अब जिस हाथ से इस तरह का एल बन रहा है वो आपका बायां लेफ्ट हाथ है और दूसरा हाथ दायां राइट हाथ है। जो दिशा आपके दाएं हाथ की तरफ है वो दाईं राइट दिशा है और जो बाएं हाथ की तरफ है वो बाईं लेफ्ट दिशा है। है ना ये आसान? अब बबलू भी दायां राइट और बायां लेफ्ट समझ गया और दाईं राइट ओर मुड़ गया। उसने निर्देश को आगे पढ़ा। दाएं मुड़ने के बाद कुछ कदम आगे चलने पर तुम्हें बाईं लेफ्ट ओर एक पोस्ट बॉक्स नजर आएगा। उस पोस्ट बॉक्स के ऊपर ऑन टॉप तुम्हें एक रस्सी मिलेगी। उस रस्सी को उठाओ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पोस्ट बॉक्स तक पहुंचने के लिए बबलू को कितने कदम और आगे चलना होगा? जी हाँ, 3 कदम। बबलू को 3 कदम आगे उसकी बाईं लेफ्ट ओर पोस्ट बॉक्स नजर आया। उसने उसके ऊपर रखी रस्सी उठाई और आगे का निर्देश पढ़ा। अब 1 कदम सीधा स्ट्रेट चलकर बाएं लेफ्ट मुड़ो और तब तक सीधे स्ट्रेट चलते जाओ जब तक तुम एक त्रिकोण ट्रायंगल आकार की टाइल तक नहीं पहुंच जाते। बबलू निर्देश के अनुसार त्रिकोण ट्रायंगल टाइल तक पहुंच गया। बच्चों, अब क्या आप बता सकते हैं कि नक्शे में आगे बढ़ने के लिए बबलू को किस ओर मुड़ना होगा? जी हाँ, बबलू को दाईं राइट ओर मुड़ना होगा। अब बबलू ने निर्देश आगे पढ़ा। त्रिकोण ट्रायंगल टाइल से दाएं मुड़कर 3 कदम सीधा स्ट्रेट चलो। उस टाइल के सबसे नजदीक नियरेस्ट जो स्टॉल है उसके मालिक को रस्सी दे दो और वो बदले में तुम्हें एक नई वस्तु देगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 3 कदम सीधा चलकर बबलू के सबसे नजदीक नियरेस्ट कौन सा स्टॉल है? सबसे नजदीक बब्बन का आइसक्रीम स्टॉल है। बबलू 3 कदम सीधा स्ट्रेट चलकर बब्बन के स्टॉल पर पहुंच गया। वहां उसने बब्बन को वो रस्सी दे दी और बब्बन ने
उसे बदले में एक टोकरी दे दी। आइए देखें निर्देश में आगे क्या लिखा था। बाएं मुड़ो और तब तक सीधा चलते रहो जब तक तुम एक अलग आकार की टाइल तक नहीं पहुंच जाते। बबलू निर्देश के मुताबिक बाएं मुड़कर फिर सीधे चलकर अलग आकार की टाइल तक पहुंच गया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस टाइल का आकार क्या है? जी हाँ, ये एक वृत्त सर्कल के आकार में है। अब बबलू ने निर्देश को आगे पढ़ा। इस अलग आकार की टाइल के सामने इन फ्रंट तुम्हें एक पेड़ नजर आएगा। उस पेड़ के नीचे अंडर एक चाबी रखी है। टोकरी को पेड़ के नीचे रख दो और चाबी लेकर दाएं मुड़ो। बबलू ने टोकरी को पेड़ के नीचे अंडर रख दिया और चाबी लेकर दाएं मुड़ गया। अब निर्देश में आगे ये लिखा था। दाएं मुड़कर चार कदम आगे बढ़ो। सामने तुम्हें एक संदूक मिलेगा। संदूक को अपनी चाबी से खोलो और तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। बबलू निर्देश के अनुसार संदूक तक पहुंच गया और उसने अपनी चाबी से उस संदूक को खोला। बच्चों, क्या आप जानते हैं बबलू को खजाने में क्या मिला? बबलू को खजाने में एक क्रिकेट बैट मिला। देखिए बबलू कितना खुश नजर आ रहा है। बच्चों, इस पाठ में हमने नक्शों मैप्स के बारे में सीखा। अगले पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।